आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनू सूद की। मजदूरों की मदद करने के बाद अब वे शिक्षा के क्षेत्र में उतर आए हैं। कहते हैं जो इंसान दूसरों की मदद करता है और अपने जीवन की सारी कमाई दूसरों पर समर्पित कर देता है वो इंसान नहीं मसीहा बन जाता है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद वो इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ की दूसरी इनिंग लॉकडाउन से शुरू करी और लोगों ने इस इनिंग की काफी सराहना करी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडियो वार्ता। आज भी रोज की तरह हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर है। आज हम आपको सोनू सूद की लाइफ की दूसरी इनिंग के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए आपके अपने चैनल एडियो वार्ता पर। सोनू सूद ना सिर्फ एक अभिनेता है बल्कि एक समाज सेवक भी है। सोनू सूद की पहली इनिंग एक बॉलीवुड अभिनेता के रूप में है और उनकी दूसरी इनिंग समाज के लिए समर्पित है। जो स्थिति हमारे देश में कुछ महीनों से है, या यूं भी कह सकते हैं जिस महामारी जैसे हालातों से हमारा देश जूझ रहा है, वो पूरी मानव जाति पर किसी संकट से कम नहीं है। हालांकि इस महामारी का असर सबकी जिंदगी पर हुआ है, लेकिन गरीब और कमजोर तबके के लोग जिनकी गुजर बसर रोज की कमाई से होती थी, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सोनू सूद लोगों के लिए किसी मसीहे से कम नहीं है। जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब सोनू सूद लोगों की लगातार मदद करते आ रहे थे, चाहे वो छात्र हो, प्रवासी मजदूर या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता करना या गरीब लोगों की बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करना। इसके साथ ही जब छात्रों ने सरकार से नीट और जेई की परीक्षा को पोस्टपोन करने का अनुरोध किया, तब सोनू सूद मसीहा बनकर आ गया है और उन्होंने छात्रों का पक्ष लेते हुए सरकार से परीक्षा को पोस्टपोन करने की अपील की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि परीक्षा को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, तो इसके बाद भी सोनू सूद ने छात्रों की मदद करना नहीं छोड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजरात, बिहार, असम जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में छात्रों का परीक्षा केंद्र तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन जैसा था। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि जिन भी छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में दिक्कत हो रही है, वो उन छात्रों को परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। ये सूचना खुद सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी और लिखा कि इन केस जेई नीट डजंट पोस्टपोन, स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर जेई नीट 2020, आई एम स्टैंडिंग बाय यू। इफ यू आर स्टक एनीवेयर, लेट मी नो योर एरिया ऑफ ट्रेवल, आई विल हेल्प यू रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर्स, नो वन शुड मिस देयर एग्जाम बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, हमने छात्रों के ट्वीट को पढ़ा और उनसे जाना कि छात्रों ने ट्वीट करके जब बॉलीवुड अभिनेता से मदद मांगी तो वो पूरी भी हुई। सोनू सूद ने न केवल छात्रों की मदद उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में की, बल्कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है सुरेखा महाजन और आप देख रहे थे एडियो वार्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।